एक हज़ार से ऊपर जेंडर रेशियो है यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज़्यादा है और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं उनमें से 18 से 19 में पिचासी लाख हमारी लड़कियां हैं फीमेल वोटर्स हैं सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया कमीशन वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन तेरह से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19 और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को इक, उन आ, को 18 साल नहीं हुई थी उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 पॉइंट फोर लैक एडवांस एप्लीकेशन विच हैव कम टू अस अराउंड फाइव टू सिक्स लैक्स आर सच हु विल कंप्लीट दी एज ऑफ एटीन बाई फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल की कोई भी छूटे नहीं नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे जो इन्फ्लुंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने दस दोस्तों को भी लेके आएंगे और इस बार हम देख हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे फ्रेंड्स जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें कैसे तैयार करें हर बूथ पे पीने का पानी होगा टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग साइनेज होगा पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा एक एक व्हील चेयर होगी हेल्प डेस्क होगी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा सफिशिएंट लाइट भी होगी यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल दी पोलिंग स्टेशंस और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन अपने पर्सनल को लेके जाएगा एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वुड एंड वी वुड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट ए वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स एंड देन दोटर्स डिलाइट पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें देन हाउ वुड बी एंश्योर दैट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूसिव इंक्लूसिव इन देंस एट्टी फाइव प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म ट्वेल्व डी पहुंचाएंगे देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो पिचासी वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं जो पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैं 40 ईयर्स एंड 40 परसेंट से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो वो बूथ पर नहीं आना चाहते घर से करना चाहते तो हम घर में जाएंगे एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी उनको वॉल्टियर्स और व्हील की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को जो टीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल